नमस्कार, झेंडा थम गणेशोत्सव मंडल और ओपन कराओके मेलेडीज की ओर से आप सभी का आज की संगीत रंजनी में सहर्ष स्वागत है। महामारी की वजह से पिछले 2 साल ये कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन हम बहुत खुश है कि 2 साल के बाद हमें और एक बार गणराय के सामने हमारी कला पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग गणराज की आराधना से करते हैं, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी गणराज की आराधना के साथ। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ओपस कराओ के मेलेडीज के सभी गायक कलाकार एक साथ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आराधना। सभी से अनुरोध है कि यहाँ कुर्सी का प्रबंध किया गया है, तो आप आकर यहाँ बैठकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। Thank you.
से अनुरोध है कि अभी तक तालियों पे जीएसटी नहीं लगा है, तो आपको अगर गाना पसंद आए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम बेलगांव वासी बहुत ही लकी है कि हमारे यहाँ मराठी और कन्नड़ा दोनों भाषाओं का एक अतिशय सुंदर मिलाप हमको बेलगाम में, ये मिलाप सिर्फ बेलगाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग आपके सामने एक ऐसा गुलदस्ता पेश करने जा रहे हैं जिसमें थोड़े कन्नड़ गाने भी रहेंगे, थोड़े मराठी गाने रहेंगे और बहुत सारे हिंदी फिल्म सॉन्ग 1960 से लेके 2000 तक के हर एक दशक का गाना आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगला गाना एक भजन है जो गणराय के सामने हम लोग क्या मांगने वाले हैं। तो एक मराठी बहुत ही सुंदर भक्ति गीत आपके सामने पेश करने आ रही है हमारे ओपस कराओ के मेलेडीज की कलाकार शुभांगी कारेकर। Thank you.
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपके सामने पेश किया जा रहा है ओपस कराओके मेलेडीज इस ग्रुप की ओर से। ओपस कराओके मेलेडीज एक ऐसा ग्रुप है जिसकी स्थापना 8 साल पहले हुई थी और हम सब लोग शौकिया गायक इस ग्रुप में है और हमने आज तक बहुत से स्टेज शोज ओपस के माध्यम से किए हैं। और मुझे बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है कि ओपस ने दो बार एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था जो स्पर्श नाम का एक मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल चलाया जाता है बेलगाम में स्पर्श नाम से। तो हमारे ग्रुप ने उस स्कूल की सहायता के लिए 2 बार टिकट लगा के शोज किए थे मराठा मंदिर में और 2 लाख से भी ज़्यादा पूंजी हमने इकट्ठा करके उस स्कूल को दी है। तो ये सब हमारे कलाकार चौकिया तौर पे गाते हैं, इसलिए जब आपको गाना अच्छा लगे तो ज़ोरदार तालियों से हमारे सब कलाकारों की हौसला अफजाई कीजिए। इस भजन के बाद हम लोग मुड़ते हैं अभी एक कन्नड़ा गीत की तरफ जो आपकी सबका पसंदीदा जो फिल्म थी कन्नड़ा मुंगारू मळे और इसका गाना आपके सामने पेश करने आ रही है हमारी अगली कलाकारा पद्मजा पई।
बहुत बढ़िया पद्मजा। और अगला गाना भी हम लोग करड़ा गाना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये गाना है फिल्म राजकुमार सिंह, और आपके सामने पेश करने पे अगले कलाकार ओपस कराओ के मेलोडीज के प्रसाद पुणेकर, और वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बॉम्बे हेड। Thank you.
हेलो आता आम्ही मराठी संगीताकडे वळत आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की मराठी संगीतामध्ये कोळी गीतांचा एक विशिष्ट महत्त्व मराठी संगीतामध्ये आहे आणि म्हणूनच आज आपल्या समोर आम्ही दोन कोळी गीतं प्रस्तुत करतो आहोत. तर माझ्याबरोबर हे द्वंद्वगीत सादर करण्यासाठी आहेत शुभांगी कारेकर. Thank you. Thank you. Thank you.
आपल्या समोर सादर करण्यासाठी येत आहेत. आमच्या ओपस कराओके मेलडीचे कलाकार समीर चाफोळकर आणि श्रुती कामत. Thank you.
लाली आमी पाना मती रावण लाप दो साली दरियाच लुटून भरतो डाली रात कुंभेच चांदन प्यारी कशी चांदीची मासोली झाली कुंभेच चांदन प्यारी कशी चांदीची मासोली झाली माझ्या जाल्यात होऊन आली श्रोताओं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कार्यक्रम में हम लोग आपके सामने मराठी, कन्नड़ा और हिंदी तीनों भाषाओं में गीत सुनाने वाले हैं और अगला कन्नड़ा गाना आपके सामने पेश किया जा रहा है जो ओरिजिनल सिंगर्स थे एसपी बाल सुब्रमण्यम और वाणी जयराम जी ने इस गाने को फिल्म बैलू दारी के लिए गाया था तो आपके सामने पेश करने आ रहे हैं प्रसाद पुणेकर और पद्मजा पे Oh,
एक या दो मराठी और कन्नड़ गीतों के बाद आपके लिए एक से बढ़कर एक हिंदी गाने भी हम लोग पेश करने जा रहे हैं। अगला गाना भी एक कन्नड़ गीत, एक ड्यूएट आपके सामने पेश करेंगे, प्रसाद और श्रुति।
सक्सेस। थैंक यू। आपको मालूम रहेगा कि सोनू निगम ने हिंदी के साथ साथ मराठी और कन्नड़ा फिल्म्स के लिए भी गीत गाए हैं। तो अगला गाना जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो सोनू निगम जी ने एक मराठी फिल्म नवरा माजा नवसा सा इस फिल्म के लिए गाया था, और इस गाने को आपके सामने पेश करने आ रहे हैं समीर सापोलकर। नशा आस आली सड़ा से पिलाना सड़ों प्रीति ने हिरवा निसर कहा भोजने जीवन सफर करा बसने मन सर नम छेड़ा रे जीवना से गीत गारे धुन तुम्हारे। Oh,
चलिए अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं हिंदी हिंदी गीतों की ओर। आपके सामने हम लोग पेश करने जा रहे हैं 1960 से लेकर 2000 तक के हर एक दशक का एक गाना आपके सामने हम लोग पेश करने जा रहे हैं। तो हम लोग आपको लेकर चलते हैं 1960 के दशक में, आराधना इस फिल्म का गाना जो किशोर जी और लता जी ने गाया था, उसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और संगीत दिया था SD बर्मन। तो आपके सामने ये गीत पेश करने के लिए आ रहे हैं समीर और शुभांगी।
फेरो आपको और एक गाना मिला। 1960 के दशक के बाद हम लोग अभी चलते हैं 1970 की दशक में, मोहम्मद रफी जी और लता जी ने गाया हुआ हाथ की सफाई इस फिल्म का गीत, जिसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और आपके सामने पेश करने और एक बार आ रहे हैं प्रसाद और शुभांगी, समीर और शुभांगी सर। मुझे
आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गीत 1992 की फिल्म दीवाना, जिसका संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और गाया था कुमार सानू ने, तो मैं प्रयास कर रहा हूं आपके सामने प्रस्तुत करने की। ये गीत दीवाना फिल्म से। सोचेंगे तुम्हें प्यार करते नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करते नहीं, ये दिल की तरह करते नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, पाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जान कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करते नहीं, ये दिल की तरह करते नहीं। La 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 la
यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम बना सोचेंगे तुम क्या करके नहीं अगला डिवाइड फिर 1990 के दशक से जो हमने लिया है दिल तो पागल है इस फिल्म से, जिसे गाया था उदित नारायण और लता जी ने, और आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रसाद और पद्मजा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला ड्यूएट हमने लिया है 1989 की फिल्म परिंदा, जिसका म्यूजिक दिया था पंचम दा यानी कि आरडी बर्मन साहब ने, और इस गीत को गाया था सुरेश वाडकर और आशा जी ने। और मेरे साथ इस दो गाने को पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ श्रुति कामत। तुमसे मिलके अरमां हुए पूरी, तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरी। ऐ मेरी जाने बाबा तेरी मेरी मेरी तेरी जान है, छोड़ेंगे अब ना यहाँ,
अगला गाना 1994 की फिल्म मैं अनाड़ी और तू खिलाड़ी, संगीत दिया था अनु मलिक ने और गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने। तो इस गाने को मेरे साथ पेश करने मैं बुला रहा हूँ पद्मजा जी। पागल हुआ दीवाना हुआ
मेरा
अगला ड्यूएट ईयर 2000 में हमने लिया है फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जिसको गाया था अभिजीत और अलका याग्निक जी ने। तुम आए तो इस दो गाने को आपके सामने पेश करने आ रहे हैं समीर और पद्मजा। Thank you.
अगला दो गाना 1988 की फिल्म, जिसे सब हम सब लोग उस फिल्म को जानते हैं क्यूएस क्यूटी के नाम से पेश करने जा रहे हैं, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने और संगीत था आनंद मिलिंद। और इस गाने को मेरे साथ पेश करने लिए मैं बुलाना चाहता हूँ श्रुति जी। I'm not afraid of the dark.
थैंक यू। अगला ड्यूएट हमने लिया है 1972 की फिल्म जवानी दीवानी और एक बार इसका संगीत दिया था आर डी बर्मन जी ने और गाया था आशा जी और किशोर कुमार जी ने। तो मेरे साथ ये दो गाना गाने के लिए मैं बुला रहा हूँ पद्मजा। रास्ते में कहीं रह गए
अभी हम आखिर के दो गानों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला गाना जो 1985 की फिल्म थी जिसमें अमृता सिंह और अनिल कपूर थे, अमृता सिंह और अनिल कपूर की फिल्म 1985। तो ये फिल्म थी साहेब, और इस साहेब फिल्म का गाना जो ओरिजिनली बप्पी लहरी और आशा भोसले जी ने गाया था, तो उसको आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। Thank you.
ऐसा नहीं प्यार चाहिए, कोई मन चाह दिलदार चाहिए। आज की शाम का आखिरी गाना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हेलो, तो अगला गाना और एक दो गाना है 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल, जिसे गाया था रफी जी और आशा जी ने, और आपके सामने पेश करने आ रहे हैं समीर और पद्मजा। Thank you.
दिल में ऐशमा मिलती हो कहाँ सार्वजनिक श्री गणपति उत्सव मंडल झेंडा चौक मार्केट बेलगाम इवर वत मत मगदमे हूर्क अभिनंदन ना सल्ती श्री अजित सिद्धण्णावर की फरमाइश पे एक आखिरी गाना मैं पद्मजा जी से विनती करता हूँ गायक जोर चप्पे बरबंत नानी या प्रोफेशनली सिंगर प्लस इवर प्रोफेशनली डॉक्टर इंजीनियर इंडस्ट्रियल प्रति वर्ष नम गणेश इवर सेवे सल्ता सो इवर सेवे मत मगदे नम कमिटी वत हूर्क अभिनंदन सलोण इवे जब तक पद्मजा जी यहाँ आती है तब तक आपके सामने एक मोहम्मद रफी के सॉन्ग्स का एक गुलदस्ता जो मेडली बोलते हैं वो आपके सामने पेश करने जा रहा है। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं तीसरे नीचे दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं तीसरे नीचे
लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में।